Assalamu alaikum. I am Dr. Zoya and I have completed my residency in dermatology. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हेयर फॉल की कॉजेज की. इस वीडियो में हम हेयर फॉल मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे. जब पेशेंट्स में हेयर फॉल शुरू होता है तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मदद किससे ली जाए. ऐसे में कुछ लोग अपना हेयर लॉस छुपाने के लिए अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग मार्केट में मिलने वाली अनवेरिफाइड मेडिसिंस का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और कुछ लोग टोटके बताने वालों का शिकार हो जाते हैं. इसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है. अगर आप हेयर फॉल का शिकार हैं, तो हेयर इज व्हाट अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी रिकमेंड्स. सबसे पहले ये मेक श्योर करें कि आप अपने हेयर लॉस के प्रॉब्लम के लिए किसी ब्यूटिशियन के बजाय एक सर्टिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट का इंतखाब करें. अपने बालों को धोते वक्त डर्मेटोलॉजिस्ट का रिकमेंड किया गया शैम्पू यूज करें, क्योंकि कुछ शैम्पू बालों से मॉइस्चर खत्म कर देते हैं और हेयर फॉल का बाइस बनते हैं. शैम्पू के साथ साथ मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर का इस्तेमाल करें, क्योंकि कंडीशनर का इस्तेमाल बालों को टूटने से बचाता है. अगर आप हेयर फॉल का शिकार हैं, तो बार बार अपने बालों को कलर ना करें. केमिकल स्ट्रेटनिंग जिसमें केराटिन, रीबॉन्डिंग और एक्सटेंसो का इस्तेमाल आता है, वो भी आपके बालों को डैमेज कर सकता है. हेयर स्ट्रेटनर, कर्लिंग आयरन और हॉट कॉम्ब्स का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि इससे बाल कमजोर होते हैं और हेयर फॉल ज्यादा होता है. अगर आप हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें कि इसके लिए लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स का इस्तेमाल करें. ज्यादा बेहतर तो यह है कि अपने बालों को कुदरती तौर पर खुश्क होने दें. अगर आप बालों को बांधते हैं या पोनी टेल करते हैं, तो कोशिश करें कि बालों को ज्यादा जोर से ना बांधें, क्योंकि इससे परमानेंट हेयर लॉस हो सकता है, जिसको मेडिकल टर्म्स में फ्रैक्शन एलोपेशिया कहते हैं. बालों में कंघी या ब्रश का इस्तेमाल जेंटली करें. इसके अलावा एक मुतवाजन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, जिसमें आयरन, प्रोटीन्स और जिंक की मकदार ज्यादा हो. स्मोकिंग बंद कर दें, क्योंकि स्मोकिंग भी हेयर फॉल को ज्यादा करती है. फूड सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल कुछ सप्लीमेंट्स स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं होते और हेयर लॉस को मजीद बढ़ा सकते हैं. अगर ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस करने के बावजूद हेयर लॉस नहीं रुक रहा, तो फिर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं. इसके लिए एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा करें, जो आपके रूट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आपके मुताबिक आपको इलाज तजवीज करेगा. इलाज के लिए दवाएं या हेयर रिस्टोरेशन मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें PRP और मेसोथेरेपी आते हैं. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.